24। बाप रे 125 केजी का सेट मार रहे दया सर। 25। बताए आज ही अपना रिकॉर्ड तोड़ के ही रहेंगे। 26, 27, 28, 29, 30। सर आपने आज प्रूव कर दिया कि रिकॉर्ड ब्रेक करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सर आप तो जानते ही हैं कि मुझे सीआईडी ऑफिसर बनना है। सीआईडी ऑफिसर होने के लिए सिर्फ फिजिकली फिट होना जरूरी नहीं है, दिमाग से भी तेज होना बहुत जरूरी है, समझे? आई नो सर, लेकिन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए भागदौड़ करना ही जरूरी है ना सर। और सर मैंने डिसाइड कर लिया कि सर मैं ट्रेनिंग तो आप ही से लूंगा सर, प्लीज सर। तुम नहीं मानोगे हैं? चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम लोग ना हैंड रेसलिंग कंपटीशन करते हैं, तुम और मैं। अगर मुझे तुम्हें हराने में 10 सेकंड से ज्यादा लग गए तो तुम जो कुछ बोलोगे मैं मानने के लिए तैयार हूं, मगर अगर तुम हार गए जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। स्टार्ट। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बात तो मानना होगा कि तुम्हें हिम्मत और ताकत दोनों है। ठीक है, अभी जाओ घर। लेकिन सर 9 सेकंड तक तो रोक के रखा था ना। आप नेक्स्ट टाइम देखिएगा सर, आपको 18 सेकंड लगेंगे सर। सी यू सर। हाँ, ये लड़का मानेगा नहीं, सीआईडी ऑफिसर बन के ही रहेगा लगता है। हाँ सर, मर्डर कहाँ पे? सर ये किसी गैंग का काम लगता है या फिर टेररिस्ट का? यहाँ क्रिकेट ग्राउंड में इस तरह के केस के बारे में पहले तो कभी नहीं सुना था। हाँ यार, पर ये बॉम्ब ग्राउंड के बीचों बीच पहुंचा कैसे? इस ग्राउंड का एक एक इंच अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा। जो भी चीज डॉक्टर साड़ुंके के काम आ सकती है वो चीज हमारी नजरों से बचनी नहीं चाहिए। ध्यान से है? ये कोई ग्राउंड पे ब्लास्ट करेगा क्यों? वो भी सिर्फ एक आदमी को मारने के लिए। वही तो। आप लोग? सर मैं रंजीत, ब्लास्टर्स का कोच। ये सुमित हमारा पेस बॉलर, केशव ओपनिंग बैट्समैन, और ये सुरेश, और ये लीना है अमर की गर्लफ्रेंड। यहाँ कोई प्रैक्टिस मैच चल रही थी या वो? सर ये डोमेस्टिक क्रिकेट लीग शुरू होने वाली है तो उसी के लिए टीम आपस में ही मैच खेल रही थी, आपस में ही सिलेक्शन के लिए। फिर अचानक ये हो गया, एकदम से ब्लास्ट हुआ सर, एक भयानक सा सपना लग रहा है ये। इतना बड़ा हादसा हुआ, यहाँ पे किसी ने कुछ तो देखा होगा ना? यस सर। सर मैं फील्ड पर ही था, बिल्कुल अमर के सामने, और जैसे ही सुमित ने बोल डाली। कहने का मतलब है कि बॉल में बॉम्ब था? जी सर, लगता तो ऐसा ही है। इंपैक्ट बॉम्ब, जिसे हिट करने से या प्रेशर डालने से फट जाता है। पर ये बॉल कहाँ से आई? मेरा मतलब है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सर डीन, डीन कंपनी का क्रिकेट गियर यूज करते हैं हम, और ये बॉल भी ब्रांड न्यू थी सर। और ये क्रिकेट का सारा सामान, ये गियर वगैरह, ये सब कहाँ रहता है? सर ड्रेसिंग रूम में। ड्रेसिंग रूम में? तो ड्रेसिंग रूम में तो सारे प्लेयर्स आसानी से आ जा सकते हैं? जी, सारे प्लेयर्स इवन स्टाफ मेंबर्स आल्सो। रेगुलर बॉल को बॉम्ब वाली बॉल से बदलने में किसी का भी हाथ हो सकता है, कोई भी कर सकता है। अच्छा, ये ब्लास्ट होने से पहले एग्जैक्टली क्या हुआ था जरा डिटेल में बताएंगे?
सर अमर रेडी था सुमित की बॉल का सामना करने के लिए। फर्स्ट बॉल बाउंस, जिसके लिए शायद अमर तैयार नहीं था। सेकंड बॉल अमर के बैट पे लगी, गुड, मगर कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। अमर ने तीसरी बॉल खेलने की कोशिश की मगर कोई रन नहीं। क्या हुआ, तीन बॉल खाली, एक रन तो उससे बनाया नहीं जा रहा है और बातें तो सिक्स ही करता है। पहले ही बॉल में सिक्सर मार दूंगा तो तेरा दिल नहीं टूट जाएगा? तेरा वार्म अप करवा रहा था, अब देख जलवा। कमान कमान कमान। जैसे ही सुमित ने चौथी बॉल डाली, बॉल ब्लास्ट हो गई सर। तीन बार वो उसी बॉल के साथ खेला लेकिन कुछ नहीं हुआ। चौथी बार जब उसने शॉट मारा तो बढ़िया। जी सर। बड़ी अजीब बात है, अगर उस बॉल में बॉम्ब था तो पहली बार ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ? एग्जैक्टली, क्योंकि जब पहली बार कॉन्टेक्ट हुआ बॉल और बैट, तभी क्यों नहीं फटा? आप लोग सब जिसके दोस्त थे, किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं सर, अमर बहुत अच्छा इंसान था, उसके कोई भी दुश्मन नहीं थे। सर अमर एक स्टार बैट्समैन था, सारी क्वालिटीज थी उसके अंदर, बस थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर था, गुस्सैल था। अभी पिछले कुछ दिनों पहले उसका झगड़ा भी हुआ था अपने एक साथी खिलाड़ी से, केशव से। किस बात से झगड़ा हुआ था तुम दोनों का? अमर, तूने जानबूझ के रन आउट कराया ना मुझे? तो क्या करता, तेरा बैट तो चलता ही नहीं है, और वैसे भी जब तक तू क्रीज पे रहेगा ना तब तक रन रेट भी तेरी तरह रहेगा, स्लो। भाई मुझे चांस मिलेगा तब ना कुछ कर पाऊंगा। चांस? इतने चांस केशव? और वैसे भी देख यार, हम लोग ना टीम के लिए खेलते हैं, अपने लिए नहीं। और तेरे रन आउट हो जाने के बाद टीम तो जीत गई ना मेरी वजह से, तो भी तुझे क्या प्रॉब्लम? देख अमर, ये मेरे करियर का सवाल है और मैं कोच से तेरी शिकायत करूंगा कि तू मेरा करियर बर्बाद करने पर तुला हुआ है। शिकायत करेगा? जा कर दे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उल्टा तुझे ही टीम से आउट कर देगा, क्योंकि कोच को भी सिर्फ जीत से मतलब है। और वैसे भी टीम का बेस्ट प्लेयर हूं मैं, मेरे बगैर तुम लोग कुछ भी नहीं हो। कांग्रेट्स अमर, आज भी अपनी टीम को जीत दिला दी, हर मैच में एक नया रिकॉर्ड, ग्रेट। थैंक यू वेरी मच। वैसे केशव के रन आउट होने पर आपका क्या कहना है? वैसे उसे भी थैंक्स कहना चाहता हूँ, अगर वो रन आउट नहीं होता तो हमारी टीम के लिए जीतना पॉसिबल नहीं था। तो क्या हो गया कि अगर उसका बल्ला नहीं चल रहा है, आउट होकर उसने हमारी टीम पर बड़ा एहसान किया है, सो थोड़ा सा क्रेडिट उसे भी देना चाहिए, राइट? समझता क्या है तो अपने आपको? अरे अरे मैं बनाता हूँ तेरे को बेस्ट प्लेयर। अपने हक में रह तू। क्या क्या करेगा? क्या बकवास कर रहा है सबके सामने? अपने हक में रह तू। अबे तू जानता नहीं है मेरे को। अरे तू नहीं जानता क्या कर लेगा, क्या कर लेगा केशव? बेटा तू बचेगा नहीं यार। केशव अपने हक में रह। छोड़ो छोड़ो छोड़ मुझे, छोड़ूंगा इसे। सर उसने मेरी बहुत इंसल्ट की सर, तो मुझे बहुत गुस्सा आया सर, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा सर। सर एक्चुअली गलती अमर की थी सर, वो सबका मजाक उड़ाने में उसे बड़ा मजा आता था। झूठ है ये सब सर, ये सब लोग उससे जलते थे। मर्डर करने का तरीका काफी अलग और कॉम्प्लिकेटेड है, हर किसी के बस की बात नहीं है कि बॉल में बॉम्ब रख के किसी को मार दिया जाए। और वैसे भी अमर को रास्ते से हटाने वालों की लिस्ट काफी लंबी है। हाँ सर, लगता है लीना को छोड़कर सब नफरत करते थे अमर से। ये ब्लास्टर्स 11 में जितने प्लेयर्स है उनकी पूरी जानकारी निकालनी होगी, और ये डीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो क्रिकेटिंग गेज बनाती है उनके बारे में भी। ठीक है, सबसे पहले ऐसा करते हैं, ये जितने क्रिकेट बॉल बैग जो भी गेयर हैं ना, ये सब फॉरेंसिक लैब पहुंचा देते हैं सरुके के पास। पहले ये तो पता चले कि ये बॉल बॉम्ब कैसे बन गया।
बॉस बहुत ही मुश्किल है ये बता पाना कि ये बॉम्ब कैसे ब्लास्ट हुआ है, अपने आप ब्लास्ट हुआ है या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए ब्लास्ट हुआ है या आखिर ट्रिगर कैसे हुआ है ये बता पाना बहुत मुश्किल काम है। और डॉक्टर साहब इन सब चीजों से कुछ तो पता चला होगा आपको। हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता लगी बस वो ये कि ये बॉम्ब TNT और अमोनियम नाइट्रेट के मिक्सचर से बनाया गया। ये तो बड़ा खतरनाक मामला है, ये सब तो बिल्डिंग वगैरह गिराने में काम आता है ना। हाँ और बॉस हमें अब शहर के हर उस स्थान पे जाना पड़ेगा, हर उस जगह पे जाना पड़ेगा जहां पर इस एक्सप्लोजिव के जरिए बिल्डिंग ब्लास्ट की गई है, वहां से सैंपल इकट्ठा करने पड़ेंगे और फिर इस बॉल के बॉम्ब से इसके एक्सप्लोजिव से मैच करके देखना पड़ेगा और इस समय तो बड़ा टाइम लगने वाला है। सर इतना बड़ा धमाका जिससे एक इंसान के चीथड़े उड़ गए, मतलब एक्सप्लोजिव्स की मात्रा काफी होगी। यस यू आर राइट। वैसे बॉल के वजन में भी तो फर्क पड़ा होगा। सर सुमित। हाँ सुमित। सर मैंने कुछ नहीं किया है। सर आप लोग मुझे क्यों फंसा रहे हो, अमर की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है सर, आई एम इनोसेंट। सुमित बॉलर तुम थे और उसी बॉल से यानी बॉम्ब से अमर की मौत हुई है, इसलिए सबसे पहले शक तुम्ही पे जाएगा, समझे? ये मेरी सर्विस गन है, इसका वजन मेरे हाथों को मेरे दिमाग को अच्छी तरह से पता है। इसके मैगजीन में से अगर मैं एक बुलेट भी निकाल दी ना तो इसके वजन में फर्क पड़ता है जो मेरे हाथों को और मेरे दिमाग को पता चलता है, समझे? तुम तो एक फास्ट बॉलर हर रोज उसी क्रिकेट बॉल से खेलते हो ना, क्यों उसका वजन तो तुम्हारे हाथों को तुम्हारे दिमाग को तो पता ही होगा। अगर उस बॉल के अंदर नॉर्मल बॉल के अलावा कुछ दूसरा भरा जाए जैसे कि एक्सप्लोजिव तो उसके वजन में फर्क तो पड़ेगा जो तुम्हारे हाथों को तुम्हारे दिमाग को पता चलना चाहिए, किसी को भी पता नहीं चला वजन के बारे में, ये कैसे हो सकता है? सर कोई फर्क था ही नहीं और सर जिसने भी ये किया है बहुत चालाकी के साथ किया है। मतलब चार बार जो तुमने बॉलिंग की कोई कोई फर्क महसूस नहीं हुआ तुम्हें? जी नहीं सर। कुछ अलग तरीके से बॉलिंग की थी तुमने? नहीं सर। कुछ अजीब देखा, कुछ सुना, किसी ने बॉल बदली हो डिलीवरी के बीच? नहीं सर कुछ ऐसा नहीं था, सब कुछ ठीक था, चौथी बॉल पर ही अचानक से ब्लास्ट हुआ। अच्छा सुमित एक क्रिकेटर होने के नाते तुम्हें इतना तो पता होगा कि जिस ब्रांड के क्रिकेट बॉल से तुम लोग खेलते हो वो बनाई कैसी जाती है? सर हम लोग डीन ब्रांड यूज करते हैं और सर हमारी बॉल्स हैंडक्राफ्ट होती हैं जिसके ऊपर की सिलाई डीन की वर्कशॉप में बनती है, वो भी हाथों से मशीन से नहीं। सर सर ये न्यूज आर्टिकल देखिए, ब्लास्टर्स 11 के ओनर्स रमन और विश्वास में झगड़ा हुआ और फिर फाइनली विश्वास कंपनी से अलग हो गया। विश्वास तो ये वही इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसका नाम कोल माइन स्कैंडल में आया था, गिरफ्तारी भी हुई थी इसकी तो, हाँ पर इसके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ था और ये बच गया। इतने संगीन जुर्म में जिस आदमी का नाम आया सर वो तो कुछ भी कर सकता है। इस विश्वास के पास डेफिनेटली कोई खास वजह होगी इस जुर्म को अंजाम देने की। अभिजीत एक काम करते हैं, तुम और पूर्वी इस विश्वास के पास जाकर अच्छी तरह से पूछताछ करो, सच उगलवाने की कोशिश करो उससे। दया सर पंकज को साथ में लेकर जाओ उस डीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में और पता लगा वो बॉल किसने बनाया था। एक्सक्यूज मी मिस्टर विश्वास। आप? हम लोग CID से। एक्चुअली अमर मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी वजहें सामने आई हैं जिससे हमें आपके पास आना पड़ा है। वो वजह वो कारण आप बताएंगे मुझे क्या? जरूर बताएंगे। पहले आप बताएंगे कि अमर का जब खून हुआ तब उस वक्त आप कहाँ थे? मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे इसलिए मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी। पुलिस के CID के काम करने के पैटर्न को मैं अच्छी तरह जानता हूं, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस फाइल में मिल जाएगी। मैं उस वक्त कहां था, मेरे कॉल रिकॉर्ड्स, मेरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, यू विल फाइंड एवरीथिंग इन दिस फाइल।
वेरी स्मार्ट। इसके अलावा भी आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं आ जाऊंगा। आई विल ऑलवेज हेल्प यू आउट। थैंक यू। सो कैन आई लीव नाउ? ब्लास्टर्स 11 तुम्हें मुबारक हो। मिस्टर रमन, क्या लगता है आपको अमर की मौत की साजिश में विश्वास का हाथ हो सकता है? विश्वास को ब्लास्टर्स 11 से उतना ही प्यार है जितना मुझे। इनफैक्ट इस टीम को उन्होंने ही बनाया है। जितना पार्टनरशिप के दौरान मैं उन्हें पहचान पाया हूं, विश्वास कुछ भी कर सकता है। ग्लव्स नहीं पहनते सर, बारीक काम है ना, इसलिए दस्तानों के साथ सिलाई करना मुश्किल होता है। हमें ये बॉल का एक टुकड़ा मिला है जिसपे किसी के उंगलियों के निशान है। आप लोगों के उंगलियों के निशान लेंगे और इस उंगली के निशान के साथ मैच करके देखेंगे। जिस किसी का भी मैच हुआ, हमारा मुजरिम वही है। हाथ दिखाइए अपना। अरे, बरसों से काम कर रहे हैं साहब, हाथ के निशान तो घिसेंगे ही। मेरे हाथ भी देख लीजिए साहब, इनके हाथों से तो फिंगरप्रिंट मिलेंगे ही नहीं। तुम तो यहाँ पे नए हो, तुम्हारे हाथों के लकीर तो एकदम सही सलामत है। हा? जी सर, मैंने अभी तक बॉल बनाना सीखा नहीं है। तो हमने कब बोला कि तुम्हें बॉल बनाना आता है? जीवन बहुत होशियार लड़का है साहब, इस टीम कंपनी में हम दोनों के अलावा यही तो है हाथ की सिलाई में माहिर। अच्छा, तो जीवन जी आप और किस किस चीज में माहिर है ये भी बता दीजिए। मैंने क्या पूछा सुना तुमने? मारिए मत सर, प्लीज मारिए मत सर, मैंने सिर्फ एक बॉल तैयार की थी बाहर के ग्राहक के लिए, जिसके लिए मुझे 20,000 रुपए मिले थे। वो बॉल नहीं, वो बॉम्ब था। तुम्हें पता है इस वजह से खिलाड़ी की मौत हो गई है? बॉम्ब के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम सर, जो आदमी मेरे पास आया था उसके पास पहले से एक तैयार बॉल थी, मुझे सिर्फ ऊपर से सिलाई करनी थी। उसने कहा था सर कि काम ऐसा होना चाहिए कि वजन में और दिखने में बिल्कुल तीन बॉल जैसा लगे। कौन है वो आदमी, नाम बता? नाम तो नहीं पता सर। पहले तो शक्ल तो देखी थी ना उसकी? हाँ। कैसे बना दिया उसका? सर, मैंने पूरा क्रिकेट का किट चेक किया, किसी में से कोई भी एक्सप्लोसिव्स के कोई ट्रेसेस नहीं मिले और ना ही किसी चीज से कोई छेड़खानी की गई है। सिर्फ ये कुछ ब्रांड्स के स्टिकर्स लगे हुए हैं और पर्सनल ऑटोग्राफ्स किए हुए हैं। बॉस, एक मिनट। बॉस, शहर में जितनी भी बिल्डिंग्स को उस एक्सप्लोसिव से गिराया गया, उन सारे सैंपल्स को अच्छी तरह से चेक करने के बाद एक नाम ऐसा मिला है जिसका एक्सप्लोजिव उस क्रिकेट वाले बॉम्ब के एक्सप्लोजिव से मैच करता है, और उसका नाम है बॉस SMC। SMC? पक्का? 100%। तो किसी ने उस बॉल को बॉम्ब बनाने के लिए SMC के स्टॉक्स एक्सप्लोसिव की चोरी की है। फिर एक काम करो, SMC के एक्सप्लोजिव कंट्रोल से बात करो, पूछो उससे क्या पिछले कुछ दिनों में उसके एक्सप्लोजिव के स्टॉक में से कुछ गायब हुआ है क्या। शालिनी,
क्या हुआ सर? देखो मंगल अभी तक फाइल लेके क्यों नहीं आया? सॉरी सर, ये लीजिए फाइल। हाँ जल्दी। लेकिन क्या हुआ सर, आप इतने परेशान क्यों? कुछ नहीं, तुम जाओ। तो जाओ ना भाई। हेलो एसीपी साहब। सर आप सही कह रहे थे, हमारे स्टॉक से एक्सप्लोसिव गायब हुआ है। कितने एक्सप्लोसिव गायब हो गए? 300 ग्राम। और सर किसी को भनक तक नहीं लगी, जबकि गोडाउन से आते जाते वक्त नाके पर पुलिस हमारे ट्रक को 4 बार चेक करती है, फिर भी बहुत बड़ी लापरवाही हो गई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब मेरी बात ध्यान से सुन लो और एक फ्रेश कंसाइनमेंट भेजने का इंतजाम करो। जी सर। बाकी सर हम संभाल लेंगे। पेपर निकाल, रसीद कहाँ इसकी? गैरकानूनी काम करता है। इधर आ, गोली लग जाएगी। चल इधर, चल। क्या करता एक्सप्लोसिव का चोरी करके? झूठ बोलने की सोचना भी मत, रंगे हाथों पकड़ा गया तू। बता क्या करता है तू इनका? सर वो मछुआरों को फिशिंग के लिए इसकी जरूरत होती है। डायनामाइट फिशिंग? जी सर, मछुआरे डायनामाइट स्टिक्स पानी में डाल देते हैं और मछलियां ऊपर आकर उनके जाल में फंस जाती है। तुम्हारे इन चुराए हुए एक्सप्लोसिव्स के वजह से हाल ही में एक लड़की की जान गई, मालूम है ना? वो बैट्समैन। लेकिन सर हमें नहीं पता था कि कोई इसका इस्तेमाल करेगा किसी की जान लेने के लिए। यस सर। ओके ओके, भेजिए सर। यस सर। जीवन को जिस आदमी ने बॉल वाला बम बनाने के लिए कहा था, तो स्केच बनवा दिया सर, भेज रहे हैं। पहचानता है इसको? हाँ सर, ये मोहन है। ये एक्सप्लोजिव लेकर डायनामाइट स्टिक्स बनाता है और मछुआरों को बेच देता है। मोहन, खेल खत्म, समझा? तूने मारा है अमर को, हैं? रुपए गिना था पे, हाँ? किसने दिए? उसी ने जिसके कहने पे बॉल की सूरत में तूने वो बॉम बनाया था। जी वो बॉल तो कारीगर की मदद से बनाया गया था, लेकिन मैं उस बंदे को नहीं जानता जिसने मुझे बॉम्ब्स बनाने के लिए पैसे दिए थे। बॉम्ब्स? मतलब एक से ज्यादा बॉम्ब है? ज्यादा नहीं, 3 इंपैक्ट बॉम्ब्स। 3 बॉम्ब? हाँ सर, एक ऐसा बॉल वाला बॉम्ब जो ज्यादा इंपैक्ट से फट जाएगा। और बाकी के दो? बाकी के तो बूबी ट्रैप बॉम्ब्स है सर। वो ऐसे बॉम्ब बनाने के लिए बोला गया था कि जब तक उस पर वजन रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा, और जैसे ही वजन हटेगा
वो बॉम्ब फट जाएगा। बॉम्ब्स लेकर कौन आया था? वो मैं नहीं जानता। मुझे सारा सामान एक जगह पर रखने के लिए कहा गया था, मैंने वहाँ पर सामान रख दिया। उस टाइम के बाद वहाँ पर एक नोट से भरा हुआ बैग मिला। उसे कांटेक्ट कैसे करता था? जी, वो दरवाजे पर चिट्ठी छोड़कर जाता था, कब मिलना है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है सब। एक बॉम्ब ने तो अपना काम कर दिया है, बाकी के दो कहाँ होंगे? उसका जवाब यही देगा क्या? मुझे नहीं मालूम साहब, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। अच्छा चल, उसको बीरो लेके चलते हैं, वहीं बताएगा। चल चल साहब। बाय बाय साहब। साहब 5 करोड़ है, आधे आप ले लीजिए और मुझे जाने दीजिए। रिश्वत दे रहा मुझे? नहीं सर। एक काम कर, पैसे लेके चल, बैठ के आराम से बात करते हैं। साहब साहब सुनो तो साहब। रुक जाओ नहीं तो गोली चला दूंगा। तो ये बूबी ट्रैप था, जैसे बैग से ये नोट बाहर गिरे, बॉम्ब ट्रिगर हो गया। ये था दूसरा बॉम्ब। फिर तीसरा कहाँ है? देखो, ज्यादा घबराने की कतई जरूरत नहीं। पहले बॉम्ब से बॉम्ब बनाने वाले की धज्जियां उड़ गई थी, और दूसरा बॉम्ब हमें बताएगा कि अमर का मर्डर आखिर किस तरीके से हुआ था। क्या डॉक्टर साहब, ये गोल गोल घूम के आप बात को क्यों घुमा रहे हो? सीधे सीधे बताओ ना। देखो सीधे सीधे बताना तो आ जाओ, सीधे सीधे बताता हूं, एकदम सीधे। दया आओ, बस ये बैट पकड़ो, और देखो इस बैट पर ये पीछे सेंसर लगा हुआ है, ठीक है? और ये है, देखो ये है उसका खुराफाती दिमाग का नमूना। ये बॉम्ब क्या बात कर रहे सर, इसके अंदर बॉम्ब है? हाँ बॉम्ब है, और ये बॉम्ब मैंने बनाया है, इसलिए मुझे मालूम है कि इसमें कितना विस्फोटक है। डरो मत, बहुत ज्यादा धमाका नहीं होगा, इतना बड़ा धमाका नहीं होगा कि हमारा ये सुपरमैन, हमारा ईमैन दया घबरा जाए, कुछ नहीं होगा। अरे लेकिन धमाका तो होगा ना, जानबूझ के वैसी खतरनाक सिचुएशन में दया को क्यों डाल रहे हैं भाई आप? तुम्हें मुझ पर विश्वास है, भरोसा है ना मुझ पर? तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। देखो ये बात पता करनी है ना कि पहली बॉल को हिट करने में धमाका क्यों नहीं हुआ था, तो जो मैं कह रहा हूँ वो करो बस। और सुनो, एक बार ध्यान से सुन लो, दया को जितना तुम प्यार करते हो ना, उतना ही मैं भी प्यार करता हूँ, मैं दिखाता नहीं हूँ बस, समझ गए? पंकज, जितनी ताकत है ना उतनी जोर से बॉलिंग करना, ठीक है? दया, पहली गेंद को जरा डिफेंसिव खेलना, हाँ कम ताकत लगाना, ठीक है? चलो पंकज। पंकज दोबारा गेंद डालो उतनी ताकत के साथ। दया, इस बार पूरी ताकत के साथ शॉट खेलना, छक्का जाना चाहिए, राइट? अरे कोई बात नहीं, हमारा ये ईमैन है यार, इसे कुछ नहीं हो सकता। ये देखो, बॉम्ब को कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि अगर बॉल को ज्यादा प्रेशर के साथ हिट करोगे तभी ब्लास्ट होगा, इसीलिए पहली बॉल पर ब्लास्ट नहीं हुआ,
जब उसने चौथी बॉल को प्रेशर के साथ हिट किया सिक्सर के लिए तो ब्लास्ट हुआ। जैसे हमने दया को कहा था पहली बॉल को स्ट्रेट खेलो, बॉल पर प्रेशर कम था इसलिए ब्लास्ट नहीं हुआ। लेकिन जब हमने दूसरी बॉल दया को फास्ट जोर से खेलने के लिए कहा, दया ने जोर से हिट किया प्रेशर के साथ और ब्लास्ट हो गया। समझे? ये बॉम्ब का सारा चक्कर प्रेशर का है, प्रेशर का। तो सर बात तो अभी भी वही की वही है, ये मोहन भी तो किसी के इशारे पे काम कर रहा था। असली खूनी कौन है और कैसे पहुंचा जाए उस तक? इस केस की सारी कड़ियां मिल चुकी है, सिर्फ सिर्फ एक कड़ी नहीं मिल रही जो इन सारी कड़ियों को जोड़ सकती है। क्या क्या हो सकती है वो कड़ी? क्या हो सकती है? सर इस विश्वास से दोबारा मिलना चाहिए। सर ऊंचे पहुंचे उसकी पावरफुल आदमी है और बदनाम भी है, इसी का हाथ होगा सर। लेकिन सर अगर विश्वास होता तो उसके खिलाफ जो गवाही दे सकता था मोहन, वो तो मर चुका है ना। अब कौन पहचानेगा उसे? कौन पहचानेगा? सर वो हमारी टीम के किट बैग्स मिल सकते हैं प्लीज? पंकज बैट किसका? ये सुरेश हमारा विकेट कीपर। सर आप अंकल। सर अमर की जो गर्लफ्रेंड है लीना, लगता है उसका विकेट कीपर सुरेश का कुछ चक्कर चल रहा है सर। लीना का सुरेश के साथ? हाँ सर। ये देखिए अमर के बैट पर जो लिखावट और जो वर्ड्स है वही सेम लिखावट और वर्ड्स सुरेश के बैट पे भी। बेस्ट ऑफ लक माई लव लीना। लीना को फोन लगा। सर सर फोन तो बंद आ रहा है। कोई दूसरा नंबर है? ले ले सर। हेलो, हाँ जी लीना से बात कर सकता हूँ? आप कौन बोल रहे? सर वो लैंड लेडी जो कह रही है वो कल से घर नहीं आई। सुरेश कहाँ रहता है? अरे इसलिए था वो। लेकिन अब तो तुम्हें भी मरना होगा क्योंकि अब तुम्हें भी तो असलियत का पता चल गया है ना बेबी। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? तुम बाहर जाओगी पुलिस वालों को बताओगी मेरे यहाँ पर बेवकूफ लिखा है क्या? तुम्हें मारना होगा। कैसे मारूं? चाकू से? नहीं नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। चीट किया है तूने मुझे ना, और जा अमर के पास। मैं भेज देता हूँ अमर के पास। सर कहाँ भागेगा? अच्छा हुआ आप लोग आ गए। खेल खत्म तुम्हारा, समझे? सर इसी ने मेरे अमर का मर्डर किया है, उसके बाद मुझे यहाँ बांध कर रख लिया इसने। तुम दोनों से क्या दुश्मनी है इसकी? पहले मैं सुरेश के साथ रिलेशनशिप में थी पर वो बहुत गुस्सैल था, मारपीट करता था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया और फिर मेरी दोस्ती अमर से हुई। उसके बाद सुरेश ने धमकी दी थी उसे जान से मारने की। ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? I'm so sorry sir. Sir, मैं बहुत घबरा गई थी। वो बॉम्ब ब्लास्ट, फिर अमर की मौत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था सर, पर मेरे अमर को इसने ही मारा है। नहीं सर, सर, सर मैंने नहीं मारा अमर को। सर मुझे तो बस एक काम सौंपा गया था कि ओरिजिनल बॉल की जगह वो बॉम्ब वाली बॉल रिप्लेस करनी है।
और सर उसके बदले मुझे मुझे 5 करोड़ रुपए मिले थे। कौन है वो जिसने तुम्हें खून करने के लिए कहा था? पता नहीं सर, सर मुझे तो वो बॉल दी गई थी जो कि मुझे सुमित को देनी थी, और वो पैसों से भरा हुआ बैग कोई मेरे घर पे पहुंचा के गया था बस। बैग कहाँ है वो बैग, दिखाना सर। ये तो वैसे ही बैग है जैसे मोहन के पास था। वो ऐसे बम बनाने के लिए बोला गया था कि जब तक उसका वजन रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा, और जैसे ही वजन हटेगा वो बम फट जाएगा। बैग को खोल के नहीं देखा तुमने? नहीं सर। बच गए तो ऊपर जाने का टिकट कटवा लेते। मतलब? मतलब ये है कि नोटों के नीचे इस बैग में बम है, वो भी ट्रैप। जैसे ही तुम नोट बाहर निकालते प्रेशर रिलीज होता और बॉम्ब ब्लास्ट, साथ में तुम भी। खैर अब ये बैग ही हमें खूनी तक पहुंचाएगा। सुरेश को तो हमने गिरफ्तार कर लिया है, अब ये पैसों से भरी बैग जो इस खेल के मुख्य खिलाड़ी ने सुरेश को दी थी, वो पैसे भी हमारे कब्जे में है। इस बैग में हमें फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, अब आप सबके फिंगरप्रिंट्स लेने हैं, फिर मैच करके देखेंगे, पता चल जाएगा। चलिए पहले आप आइए। लेफ्ट हैंड रखिए, दूसरा हाथ। हम जा सकते हैं। हम जा सकते हैं। लीना जाएंगे, केशव रमन किसी भी, सब रुक जाइए वरना हम सब मारे जाएंगे। सर आप मेरी बात सुनिए, उसके अंदर बॉम्ब है, हम सब मर जाएंगे। बॉम्ब? रमन जी बॉम्ब से खेलना तो सीआईडी वालों के बाएं हाथ का खेल है, और वैसे जिस बॉम्ब के बारे में बात कर रहे हैं ना, उस बॉम्ब को तो हमने कब का निकाल दिया है। बस हम तो सिर्फ यह देखना चाहते थे कि बैग के अंदर बॉम्ब किसने फिट किया, और वो तो सिर्फ वही जानेगा जिसने ये काम किया। आपको तो पता ही था बॉम्ब के बारे, है ना? क्यों बताओ, क्यों किया तुमने ये, बताओ जल्दी। तो अमर, अमर को दूसरी टीम से एक मोटी रकम ऑफर हुई थी, फर्स्ट मैच से पहले ही वो मेरी टीम छोड़ के दूसरी टीम ज्वाइन करने वाला था, ये इंफॉर्मेशन मुझे मिल चुकी थी। और अगर अमर तुम्हारी टीम छोड़कर चला जाता तो तुम्हें करोड़ों का नुकसान होता, क्योंकि अमर को खरीदने के लिए, अपनी टीम में लाने के लिए तुमने बहुत पैसा खर्चा किया था। सर मेरे पास उस पैसे की भरपाई करने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, और वो था अमर की मौत।
हमारे सारे क्रिकेटर्स का इंश्योरेंस करवाते हैं। अमर का 100 करोड़ का करवाया था, मुझे लगा वो रकम मुझे मिल जाएगी। और अमर के चाहने वालों की सिंपैथी और सपोर्ट वो भी तुम्हारी टीम को मिल जाता। अमर हमारी टीम से अलग हो जाता तो एक पल में ब्लास्टर्स 11 कमजोर पड़ जाते। स्टॉक मार्केट में शेयर्स के प्राइस ऑलरेडी नीचे गिर गए थे। मेरा एक्स पार्टनर विश्वास ऑलरेडी हमको छोड़ के जा चुका था। सब चीज मेरे हाथ से निकल रही थी। मुझे लगा कि जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मुझे एक जीत की जरूरत है और मैंने सोचा यही सही तरीका है अपनी किस्मत को फिर से लिखने का। वाकई तुमने एक नए सिरे से अपनी किस्मत लिख ली है। आज से तुम्हारी जिंदगी में आएगा एक नया अंधेरा, काल कोठरी का अंधेरा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.